क्या हुआ अगर चांद अचानक पृथ्वी के करीब आने लगे, इतना करीब कि ये हमारे ग्रह के साथ टकराव की स्थिति में आ जाए? क्या पृथ्वी इस क्रैश को सह पाएगी या कोई क्रैश होगा भी? क्या पृथ्वी की ग्रेविटी चांद को तोड़ कर रख देगी? ये टूटा हुआ चांद पृथ्वी से एक कैसा नजर आएगा? क्या हो अगर चांद पृथ्वी पर गिर जाए? चांद पृथ्वी की इकलौती नेचुरल सैटेलाइट है और हमारे रात के आसमान को रोशन करने वाली सबसे बड़ी चीज भी। ये पृथ्वी के अलावा पहली और इकलौती जगह है जहां इंसानों ने कदम रखे हैं। चांद की ग्रेविटी के फोर्स के चलते पृथ्वी के पानी में ज्वार उठते हैं। शायद यही ज्वार इसकी वजह है कि समुद्र में रहने वाले जीवों ने जमीन का रुख किया। ये फोर्स पृथ्वी को उसकी दूरी से अलग होने से भी बचाता है, जिससे जलवायु स्थायी बनी रहती है। कम शब्दों में कहें तो चांद की वजह से पृथ्वी पर जीवन सरल होता है, तो क्या हो अगर अचानक इसकी रफ्तार भी आंच जाए और यह सीधा पृथ्वी की दिशा में बढ़ने लगे? जैसे ही चांद रोश लिमिट तक पहुंचेगा, पृथ्वी को तबाह करने के उसके प्लेन की धज्जियां उड़ जाएंगी। चांद खुद बिखर जाएगा और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचेगा, और ये एक देखने लायक नजारा होगा। लेकिन जरा रुकिए, ये रोज लिमिट क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान में ये वो पॉइंट होता है जहां सैटेलाइट को रोके रखने वाली ग्रेविटी उसे खींच रहे ज्वार के फोर्स से कमजोर होती है। दूसरे शब्दों में चांद हमारे ग्रह के पास केवल 18470 किलोमीटर की दूरी तक आ सकता है। इसके बाद धमाका ज्वार से पैदा होने वाले फोर्स से ये तबाह हो जाएगा। चांद पर हमारे लगाए झंडे और हमारे कदमों के जो भी निशान हैं, इस पर मौजूद सभी क्रेटर्स, ये सब कुछ पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपर मलबे की एक रिंग में तब्दील हो जाएंगे, जिसका डायामीटर 37000 किलोमीटर होगा। इसके बाद पृथ्वी सौर मंडल में शनि के बाद दूसरा ऐसा ग्रह बन जाएगी जिसके इर्द गिर्द एक खूबसूरत रिंग हो। फर्क सिर्फ इतना है कि ये रिंग हमेशा के लिए नहीं होगी। हमारी पूर्व सैटेलाइट चांद के टुकड़े पृथ्वी पर बरस जाएंगे। ये ऐसा होगा जैसे हम पर लाखों एस्टेरॉयड की बारिश हो रही हो और शहर के शहर इस प्रक्रिया में तबाह हो रहे हो। एक बार चांद हमारे ग्रह की ओर निकल पड़ीडे, इससे हम पर होने वाले ज्वार का असर पड़ीडेने लगेगा। जब तक ये रोशन में तक पहुंचेगा, इसकी वजह से 7600 मीटर तक ऊंचे ज्वार उठने लगेंगे। हमारी पृथ्वी भयानक सुनामियों का कहर झेल लेगी, वो भी दिन में 10 बार, लेकिन कुछ वक्त के लिए पेशेवर सर्फर्स को मजेदार लहरों का लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये ग्लोबल वार्मिंग का समाधान बन सकता है। चांद के करीब आने से पृथ्वी का घूमना तेज हो जाएगा, हमारे दिन छोटे होते चले जाएंगे, वैश्विक तापमान गिर जाएगा और किसी को भी जलवायु परिवर्तन की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते पृथ्वी को जलाकर ना रख दें। फिर तो किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी इसकी चिंता ना करूं, बल्कि चांद हमसे हर साल 4 सेंटीमीटर की दर से दूर जा रहा है, तो ये मुश्किल है कि हमें पृथ्वी पर शनि जैसे खूबसूरत रिंग देखने को मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।